तो डियर फ्रेंड, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, आप ही में से किसी स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया और कॉल करके बोलता है, सर BOCL में बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट आया, प्लीज आप जल्दी से जल्दी वीडियो बनाइए। तो यहां पर मैंने जैसे ही BOCL की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक किया, सबसे पहले BOCL के बारे में बता देता हूं, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, इसका फुल फॉर्म बजाज इंटरप्राइजेस ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर को क्या बताया जा रहा है, BOCL अपॉन OCT अपॉन 09/2020, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और आप लोगों का नोटिफिकेशन डेट 10 अक्टूबर 2020 और इसकी जो लास्ट डेट दिखाई जा रही है वह 30 नवंबर 2020 दिखाई गई है। अब यहां पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है, लगभग 6000 से भी ज्यादा वैकेंसी है। और यदि मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, BE, BTech, डिप्लोमा, ITI सभी के लिए वैकेंसी है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये टोटल यदि आप यहां पर देखोगे नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ा सा देखिए, सीनियर इंजीनियर की यदि हम बात करें काफी अच्छी पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी की 310 है, OBC की 467 है, SC की 70 है, ST की 60 है, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही ज्यादा दिखाई गई है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये जो वैकेंसी है वो टोटल तरीके से फेक है, फ्रॉड है। अब देखिए मैंने यहां पर क्या किया, जैसे ही आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया, मैंने पहले तो टोटल वेबसाइट को चेक किया, वेबसाइट में भी इन्होंने बहुत सारी गलती की है, कहीं पर अबाउट अस की यदि हम बात करें, अपनी कंपनी ने अपने बारे में लिखा है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा है, कहीं पर वो प्राइवेट सेक्टर बोल रही है, कहीं पर भी अंडरटेकिंग बोल रही है यदि नोटिफिकेशन की बात करें। एंड यहां पर क्या है, इससे पहले सेम वेबसाइट पर एक फ्रॉड वैकेंसी और पब्लिश हुई थी, जिसके बारे में मैंने वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन पर्टिकुलर जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था मैंने उनको रिव्यू दिया कि भाई यहां पर अप्लाई मत करिएगा, ये टोटल तरीके से फ्रॉड है। और देखिए यहां पर एक सबसे बड़ी चीज क्या है, जैसे आप यहां पर देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, एप्लीकेशन फी की यदि बात करें, एप्लीकेशन फी इन्होंने क्या रखी है, अलग अलग रखी है, नॉन रिफंडेबल SC ST कैटेगरी के लिए यहां पर 290 रखी है। इससे पहले निकाली थी तो क्या किया था, थोड़ा सा एप्लीकेशन फी ज्यादा रखा था, तो इस वजह से क्या है, ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर नहीं फंस पाए थे। तो इस बार इन्होंने क्या दिमाग लगाया, थोड़ा सा एप्लीकेशन फी को कम किया है, लगभग 290 रखा है, और उसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पेमेंट गेटवे GST वगैरह मिला के वैसे 200 फीस है, लेकिन 90 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा। उसी प्रकार अलग अलग OBC जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 500 रुपीज फी रखी है। अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, जैसे ही आप इसके करियर सेक्शन में जाते हो, यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे डियर फ्रेंड, जैसे ही आप करियर सेक्शन में इसके जाओगे तो यहां पर आप लोग क्या मिलेगा, डायरेक्ट अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है आपको, क्लियर है ना। जैसे कि यदि आप सीनियर इंजीनियर में अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करिए, अप्लाई करिए। जूनियर इंजीनियर पर तो हम थोड़ा सा IT स्टूडेंट्स लाइक टेक्नीशियन में आप लोगों को अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, कुछ इस प्रकार का आप लोगों के पास में फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आप लोगों को सारा कुछ दिखाया गया है। यहां से आप लोगों को अपनी ट्रेड सिलेक्ट करना है, लगभग सारी ट्रेडों के नेम आप लोगों को मिल जाएंगे, फिटर, टर्नर, बॉयलर, मैकेनिकल, केमिकल, सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगी। और जैसे ही आप इस फॉर्म को कंप्लीट करते हो, कुछ भी अपलोड कर दीजिए, कोई भी साइज अपलोड करिए फोटो का, उनको कोई मतलब नहीं है, कोई भी सिग्नेचर अपलोड करिए, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट करेगा वो कहां पर, पेमेंट गेटवे के पेज पर, वहां से डायरेक्ट आप लोगों से पेमेंट मांगी जाएगी। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहूंगा, ये टोटल पूरी तरह से फेक वैकेंसी है, कोई भी स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म फिलअप मत करिएगा, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, इसका एक नोटिफिकेशन भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो प्लीज कोशिश करिए कि यदि आपके पास वो नोटिफिकेशन आता है तो अपने तक रखिएगा, उसको आगे फॉरवर्ड मत करिएगा, क्लियर है ना। तो ये पूरी तरह से फ्रॉड है, और इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि समझिएगा कोई स्टूडेंट्स यदि एक स्टूडेंट्स के भी पैसे बर्बाद जाते हैं कोई मतलब नहीं है। और भाई जो इसका फॉर्म को फिलअप कर चुका है वो पूरी तरह से समझ लीजिए कि आपने जो एप्लीकेशन फी को सबमिट किया है वो पूरी तरह आप लोगों की चली गई है, कोई मतलब नहीं है, कोई एग्जाम होने वाला है, कहीं कुछ नहीं होने वाला है, क्लियर है ना। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो मैं तुरंत ही जैसे ही मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने सोचा वीडियो बना के जल्दी से जल्दी पब्लिश किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करने में लगे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स को वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।